सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको लॉन्ग बीन्स यानी लोबिया के प्लांट को सीड से ग्रो करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने लॉन्ग बीन्स को लगभग 60 दिन पहले सीड से ग्रो किया था और इनमें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होना शुरू हो गई है। तो लोबिया के प्लांट को आप किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। बस विंटर में जब कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है तब उस टाइम ये ग्रो सही से नहीं कर पाती है, बाकी हर सीज़न में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो लोबिया का प्लांट है वो हाइब्रिड वैरायटी का है, इसीलिए इसमें छोटे प्लांट में ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा देसी वैरायटी भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उनके सीड्स आप ले सकते हैं। वो थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, उनकी बेल काफ़ी बड़ी होती है, फिर फ्रूटिंग होती है उसमें। तो चलिए अब मैं आपको इनको सीड से ग्रो करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो ये मेरे हाथ में लोबिया के हाइब्रिड सीड्स हैं, आप देख सकते हैं, और ये एक लिफाफे में कवर है। और इसको मैं निकालता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही हेल्दी सीड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लोबिया के सीड्स का जो एक्चुअल कलर होता है वो वाइट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये रेड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पर एक रेड कलर का सॉल्यूशन चढ़ाया गया है ताकि इनको इंसेक्ट से बचाया जा सके। तो लोबिया के सीड्स को ग्रो करने के लिए जो हमें सॉयल मिक्स चाहिए उसमें 30% गोबर की खाद, 70% सॉयल होना चाहिए। मैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स की सीडलिंग करने के लिए इसी तरह की सॉयल मिक्स तैयार करता हूँ। तो अब हम इन सीड्स को पॉट में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इन सीड्स को बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं आपको लगाना है, लगभग 1 से 1.5 इंच की गहराई में ही रखना है। तो सीड्स को इस तरह से लगाने के बाद हम इनको अच्छे से मिट्टी से कवर कर देंगे और मिट्टी से कवर करने के बाद हम इनमें अच्छे से पानी देंगे। तो हमें पॉट में पहली बार पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना है ताकि पॉट की जो मिट्टी है पूरी तरह से नमी पा जाए, और फिर इसके बाद इस पॉट को डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पर रखना है। सीड्स को लगाए आज पूरे 6 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। तो अभी धीरे धीरे करके सीड्स हमारे जर्मिनेट हो रहे हैं, 6ठे दिन हमारे सीड्स अच्छे से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो सारे सीड्स के ग्रो होने की टाइमिंग अलग अलग होती है, कुछ सीड्स जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं और कुछ सीड्स को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देख सकते हैं मैंने जहाँ जहाँ सीड्स लगाए हैं वो सारे सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं। तो अगर आप लोबिया के सीड्स को गर्मी के टाइम में ग्रो कर रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर देने की कोशिश करें, यानी पर डे आप इनको सुबह या शाम के टाइम में इनको वाटर ज़रूर से दीजिए। और ध्यान रहे, अगर आप कोई भी सीड ग्रो कर रहे हैं तो उनको डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पर रखिए, तभी आपके प्लांट अच्छे से हेल्दी ग्रो होंगे। सीड्स को लगाए आज 8 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे जो सीड्स हैं उनसे प्लांट अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एक सीड अभी जर्मिनेट हो रहा है, और इसके अलावा आप सारे प्लांट देख सकते हैं अच्छे से ग्रो हो चुके हैं और ये सीड भी ग्रो होने वाला है। और इसके अलावा ये सीड एक ग्रो हुआ था लेकिन इसको गिलहरी ने कट कर दिया है, तो हमारे पास 5 ही प्लांट अच्छे से ग्रो होने वाले हैं। ज़्यादातर गिलहरी जो है छोटे प्लांट को कट कर देती है, तो छोटे प्लांट को थोड़ा सा बड़े होने तक के लिए इनको सेफ्टी रखना है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी कांटे वाली जो ब्रांचेस हैं इनके ऊपर रख देता हूँ ताकि इनसे इनको सेफ्टी मिलती है। तो अगर आप भी सीडलिंग कर रहे हैं और आपके यहाँ गिलहरी जैसी छोटे जानवर रहते हैं जो कि आपके छोटे प्लांट को ख़राब कर देते हैं, तो उससे सेफ्टी रखने के लिए आप कुछ इस तरह से कांटे वाले टहनियाँ रख सकते हैं। सीड्स को लगाए आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे जो लोबिया के प्लांट हैं वो अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं। हमारा जो एक प्लांट था उसको गिलहरी ने कट कर दिया था, इसीलिए हमारे पास अब 5 ही प्लांट बचे हैं। मैंने 6 सीड लगाए थे इनमें। अगर आप लोबिया के प्लांट को पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप प्लांट्स को लगाइए। जैसे अगर आप 10 से 12 इंच के पॉट का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक ही प्लांट को ग्रो करिए, और अगर आपके पॉट का साइज़ ज़्यादा है तो 2 प्लांट को रखिए, तो जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, इनमें आपको फ्रूटिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। मैंने यहाँ पर ज़्यादा प्लांट आपको ग्रो करके दिखाने के लिए लगाए हैं। सीड को लगाए आज 18 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं लोबिया के प्लांट से अब एक्चुअल लीव्स आना शुरू हो गई हैं और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए जब आप अच्छी क्वालिटी के सीड लेते हैं तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं।
लोबिया को सीड से लगाए आज पूरे 25 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारी जो लोबिया के प्लांट हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हफ्ते में एक बार आप इन पे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का ज़रूर से छिड़काव करिए, क्योंकि इनमें इंसेक्ट बहुत जल्दी लगते हैं। तो अगर आपने ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मेरे ये दूसरे प्लांट हैं जो कि 60 दिन कंप्लीट कर चुके हैं और उन पर बहुत सारी फ्रूटिंग भी हो चुकी है। तो देख सकते हैं छोटे से प्लांट में ही हमको बहुत सारी लोबिया देखने को मिल जाती है। तो बहुत ही आसान होता है इस वेजिटेबल को ग्रो करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ दो ही प्लांट हैं और इन पर हमको कितनी सारी लोबिया मिल गई है। तो आप इनको जल्दी से जल्दी हार्वेस्ट कर लिया करिए, जिससे इन पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी और अदर फ्रूटिंग के लिए फिर से ये तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लोबिया के प्लांट को सीड से ग्रो करने का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।